हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डीजी इंटरव्यू पर कुछ क्वेश्चन लिए थे और उनके बारे में बताया था, वो नियर अबाउट 11 क्वेश्चंस थे। आज मैंने 9 क्वेश्चन और आगे लिए हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, डीजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कोई ये पर्पज़ नहीं है कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा है और मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। नहीं, मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि इन क्वेश्चंस, यानी जो मैं 20-25 क्वेश्चंस देता हूँ, इंसान के दिमाग में, या जहाँ हम जाते हैं हमारे दिमाग में, इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में भी क्वेश्चन नहीं आते और इंटरव्यू जो देता है उसको भी क्वेश्चन का पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा या क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी, अगर हम एक बार भी वीडियो को ठीक से देखे हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग ये भूल जाते हैं कि इसको हम कैसे जवाब दें। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ उतना ही है कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं, या इंटरव्यू जब कभी इंटरव्यूअर कोई हमसे क्वेश्चन करे, तो हम इसको फ्रीक्वेंटली या एकदम से प्रॉम्प्टली इसको आंसर दे पाएं, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए हमारे आंसर से। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैंने यहाँ फ्रेंड्स 9 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 11 क्वेश्चंस मैं इससे लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज ये है क्वेश्चन नंबर 12। मैंने लिखा है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाता है कि डीजी में या पैनल में जो होती है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या होती है, आपने देखी है? तो जो अब आ रहे हैं पैनल, उनमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जल्दी से नहीं दिखती, वो रेयर में कहीं कहीं दिखती है। पहले ये होती थी, पहले ये दिखती थी हमें नॉर्मली पैनल्स में। फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब दो डीजी हैं और दोनों डीजी साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर, और हमें उसमें से कंडीशन ये है कि एक ही चलाना, एक नहीं चलाना हमेशा, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, तो इसकी चाबी उसमें जब तक नहीं लगाओगे वो नहीं ऑन होगा। जब तक यानी इस सोर्स को बंद करके दूसरे में चाबी लगाओगे तो वो ऑन हो जाएगा, और दूसरे में इसको बंद करके इस सोर्स में चाबी लगाओगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसको कहते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल जो है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जल्दी नहीं दिखेगी आपको, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो इंटरलॉकिंग है, जो कॉन्टैक्टर के थ्रू होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके दो सोर्स हैं, जैसे ट्रांसफार्मर और डीजी एक साथ ऑन कर दिया और सिंक्रोनाइजिंग में नहीं है वो पैनल, तो अगर हम उसी डीजी चल रहा है और डायरेक्टली हम ट्रांसफार्मर का इनकमर अगर ऑन करते हैं तो डीजी हमारा ट्रिप कर जाएगा। वही होती है इंटरलॉकिंग। और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की के थ्रू होती है, यानी मैकेनिकली चाबी ये होती है जो इसमें भी लगेगी और उसमें भी लगेगी। एक ही चाबी दोनों सोर्सों या तीनों सोर्सों, चार सोर्सों, जितने भी इसमें लिए हुए हैं उसमें सब में लगती है कि इसको यहाँ से वहाँ लगाओगे तभी ये होगा। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग वही होती है जो की के थ्रू होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डीजी सेट पर कौन कौन से मीटर लगे होते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि आपने डीजी देखा है? यस सर, डीजी देखा है। अब बाय द वे, मैंने डीजी नहीं देखा है, या मैंने डीजी पे ध्यान नहीं दिया है, या मैं भी अगर सडनली आपसे पूछ लूँ कि आपने डीजी देखा है, हाँ, डीजी पे कौन कौन से मीटर लगे हैं, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप बता नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, डीजी का जो पैनल होता है दो होते हैं, तो जो डीजी पे लगा रहता है एक पैनल वो होता है, ठीक है, वो उसी की बात कर रहा है। एक होता है मेन एलटी पैनल, जिस पर डीजी का सोर्स जाता है वहां भी कुछ मीटर्स लगे रहते हैं। तो ये डीजी के पैनल की बात कर रहा है, मीन्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है डीजी सेट पर कौन कौन से, तो डीजी सेट पर जो पैनल लगा रहता है, कंट्रोलिंग पैनल जो डीजी का होता है, उस पर कौन कौन से मीटर रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इलेक्ट्रिकली बात करूं तो हमें क्या क्या चीज़ जरूरत होती है उस पर, जैसे वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि हमें तीनों फेज की वोल्टेज चेक करनी होती है वहाँ पे कि वोल्टेज प्रॉपर है या कोई सा फेज लॉस तो नहीं हो गया, तो तीनों फेज की वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगा होगा। एनर्जी मीटर लगा होगा, जिसमें हम किलोवाट देख सकते हैं, केडब्ल्यूएच देख सकते हैं, केवीएच देख सकते हैं, केवीआरएच देख सकते हैं, यानी मल्टीमीटर उसको हम बोलते हैं, तो वो एनर्जी मीटर भी लगा होगा, पावर मीटर बोल सकते हैं उसको हम। उसके बाद एम्पियर मीटर भी लगे होंगे तीनों फेज के, जिसमें हम तीनों फेज का लोड देख सकते हैं कि भाई कितना एम्पियर चल रहा है ये। फिर इलेक्ट्रिकली फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी होती है कि 50 हर्ट्ज से ज़्यादा तो नहीं है, तो 3-4 मीटर तो ये हो गए, पावर मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये उस पर लगे होंगे। अगर और इलेक्ट्रिकली, अब मैं बात करता हूँ इंजन फेज में, ये तो हो गया अल्टरनेटर फेज में। इंजन फेज में क्या, इंजन के लिए क्या क्या लगा होता है? देखिए, इंजन में हम क्या क्या चेक करते हैं, एक तो हम कूलेंट टेम्परेचर चेक करते हैं, तो कूलेंट टेम्परेचर का मीटर लगा होगा, कूलेंट टेम्परेचर साथ ऑयल टेम्परेचर चेक करते हैं, ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर कितना चल रहा है वो भी लगा होगा, ल्यूब ऑयल का प्रेशर चेक करते हैं वो भी लगा होगा, और इंजन की जो चार्जिंग वोल्टेज है, जो बैटरी चार्जर की वोल्टेज है उसको भी हम चेक करते हैं, तो बैटरी चार्जर का वोल्टेज का मीटर भी लगा हुआ होगा वहाँ पे।
तो फ्रेंड्स इस करके उस पर 7 से 8, 8 से 9 मीटर्स लगे हुए होते हैं, वो सब हमें पता होने चाहिए। जैसे मैंने बताया वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, पावर मीटर, बैटरी चार्जर की वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर, उसका करंट चेक करने के लिए मीटर, उसके बाद वाटर टेम्परेचर का मीटर यानी कूलेंट टेम्परेचर का मीटर, और ल्यूब ऑयल का प्रेशर चेक करने के लिए ल्यूब ऑयल प्रेशर मीटर लगा रहता है, और ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए वो भी लगा रहता है। तो इस तरीके से इंजन पर 8 से 9 मीटर लगे हुए होते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कूलेंट की पीएच कितनी होती है, ये पूछ लिया जाता है। रेडिएटर में कूलेंट डालते हो? यस सर डालते हैं। कितनी पीएच होनी चाहिए उसकी? तो हमें एक्चुअल में, अब मान लीजिए हम कुछ भी बता सकते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन जैसे हम 6, 7, 8 बता दिया, तो होनी कितनी चाहिए? फ्रेंड्स इसका एक ही आंसर है, आपको जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बोलो कि लेस देन 9, यानी 9 पीएच से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर 9 पीएच या 9 पीएच से ज़्यादा जा रही है तो कूलेंट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डीजी सिंक्रोनाइजिंग की शर्तें क्या हैं? मीन्स हमें 2 डीजी हैं, 3 डीजी हैं, उनको सिंक्रोनाइजिंग में चलाना, तो फ्रेंड्स सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरी पूरी करनी पड़ेगी जब हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, डीजी सिंक्रोनाइजिंग की शर्तें क्या हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो डीजी सिंक्रोनाइजिंग की कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स 3 कंडीशन होती हैं या 3 शर्तें होती हैं, मैं बताता हूँ जो ज़रूरी होती हैं। देखिए जब 2 डीजी या 2 ट्रांसफार्मर या 1 ट्रांसफार्मर 1 डीजी जो भी सिंक्रोनाइजिंग में चलाने होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें फेज सीक्वेंस का ध्यान देना होता है कि उन दोनों के फेज सीक्वेंस सेम हो। मींस जो डीजी का इनकमर है पहले का, और जो दूसरे का या ट्रांसफार्मर का जो भी इनकमर है, उनके जो फेज सीक्वेंस है केबल के, वो RYB में ही हो, चेंज ना हो। अब हम ये कैसे पता करेंगे? तो जो डीजी के जो सोर्स है, सोर्स पर फेज सीक्वेंस इंडिकेटर लगा दिया जाता है फ्रेंड्स, और फेज सीक्वेंस जब इंडिकेटर लगा दिया जाता है तो वो हमें ये बताता है कि इसका फेज सीक्वेंस सीधा है या उल्टा है, यानी रिवर्स में है या पॉजिटिव में है, तो वो हमें पता चल जाता है। और हमें इस तरीके से सारे सोर्सों का ही फेज सीक्वेंस चेक कर लेना, अगर फेज सीक्वेंस ओके है यानी एक डायरेक्शन में है तो हम कर सकते हैं। पहली शर्त फेज सीक्वेंस, यानी केबल को सही डायरेक्शन में जुड़े होने चाहिए, आरवाईबी फेज में ही जुड़े होने चाहिए, पहली चीज, इसको फेज एंगल भी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, वोल्टेज उसकी सेम होनी चाहिए। अगर जो भी सोर्स हम सिंक्रोनाइजिंग में चलाना चाहते हैं, 2 सोर्स 3 सोर्स 4 सोर्स, तो उनकी अगर वोल्टेज बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर नहीं होगी, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा। यानी पहली कंडीशन फेज सीक्वेंस ओके होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर 2 वोल्टेज सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि 1 वोल्ट 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट इतना कैरी कर जाता है, वो मेंटेन कर जाता है, तो वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम। थर्ड कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी, जो भी दोनों तीनों सोर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी डिफर होगी, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज, एक 60 हर्ट्ज है, तो वो कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर है, डीजी के अल्टरनेटर में क्या क्या चेक करना चाहिए या सेफ्टी मेजर्स क्या है? देखिए डीजी में 2 चीज़ें होती हैं, मैंने बताया है कि इंजन और अल्टरनेटर। तो ये अल्टरनेटर की बात कर रहा है कि डीजी के जो अल्टरनेटर है उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए या सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स डीजी के अल्टरनेटर में चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ इसकी, अगर हमने सेफ्टी हमें पता है तो हम बता सकते हैं। जैसे पहले बात करते हैं क्या क्या चेक करना चाहिए, जो चेक करना चाहिए वही सेफ्टियां हैं। जैसे क्या होता है, सबसे पहले डीजी में न्यूट्रल अर्थिंग होती है, बॉडी अर्थिंग होती है, तो 2 अर्थिंग होती है। तीसरा, जब न्यूट्रल अर्थिंग बॉडी अर्थिंग तो अर्थ फॉल्ट रिले भी होगा, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, न्यूट्रल अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग, अर्थ फॉल्ट रिले। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर कितना चल रहा है, ज़्यादा खराब, वो भी चेक करना चाहिए हमें, और वही सेफ्टी भी होती है वाइंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। 4 हो गई। उसके बाद इसमें आता है वोल्टेज चेक करनी होती है, तो सबसे पहले हम अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज दोनों चेक करेंगे, तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा रहता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अंडर वोल्टेज, अंडर फ्रीक्वेंसी और ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोटेक्शन लगा रहता है, ये भी चेक करना चाहिए हमें। उसके बाद 7वां चीज़ है करंट, ओवर करंट। फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा 800 एम्पियर का अल्टरनेटर है और वो अगर ओवर जाएगा तो वो ट्रिप ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जल जाएगा, तो उसके लिए ओवरलोड या ओवर करंट आप बोल सकते हो, वो प्रोटेक्शन लगा रहता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें 2-3 चीज़ें और मेजर चेक होती हैं, जैसे बियरिंग लगे रहते हैं जो अल्टरनेटर पे, वो बियरिंग का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, वो उसकी सेफ्टी भी होती है। उसके बाद एक होता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी फील्ड उसमें बनता है वो एक्साइटेशन, एक्साइटर लगा रहता है और एक्साइटर के थ्रू ही वो वोल्टेज हमारी चलती है, तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन वो भी प्रोटेक्शन होता है, तो वो भी नहीं लगा, वो भी चेक करना चाहिए। लॉस ऑफ फील्ड, फील्ड मींस
जो हमारा मेन परमानेंट मैग्नेट उसमें बन रही है एक्साइटर के थ्रू, वो फेल ना हो तो वोल्टेज नहीं आएगी, तो वो भी चेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग है वो है रिवर्स पावर, रिले लगी रहती है जो रिवर्स पावर उसमें ना आए। मींस एक सोर्स हमारा चल रहा है, अगर किसी से उसमें रिवर्स पावर आ गई तो वो उसमें जलने के चांसेस या खराब होने, तो रिवर्स पावर रिले भी लगी रहती है, वो भी हमें चेक करनी चाहिए। और ये इसके सेफ्टी मेजर्स भी हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने फ्रेंड्स, नंबर एक अर्थ फॉल्ट, नंबर दो दो अर्थिंग होती हैं बॉडी अर्थिंग न्यूट्रल अर्थिंग, नंबर तीन न्यूट्रल अर्थिंग, नंबर चार रिवर्स पावर, नंबर पाँच वाइंडिंग टेम्परेचर, नंबर छः ओवर करंट, नंबर सात ओवर और अंडर वोल्टेज, नंबर नौ ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी और बेरिंग टेम्परेचर, लॉस ऑफ एक्साइटेशन, लॉस ऑफ फील्ड। फ्रेंड इतनी सारी चीज़ें हमें चेक करने की होती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और चेक करते हैं हम, बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर की वोल्टेज भी प्रॉपर चलनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बैटरी चार्जर को हम इंजन में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बी चेक। बी चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बी चेक कब करते हैं। फ्रेंड्स देखिए कभी भी ये आंसर मत दीजिए बी चेक हम 300 घंटे पे करते हैं, ठीक है। नॉर्मल पता होता है, आप इंटरव्यूअर को बताइए कि बी चेक हम सर 280 घंटे पे, यानी 280 आवर्स पे हम उसको प्लान करते हैं और 280 आवर्स से 300 घंटे के बीच में हम उसको कर देते हैं। मैक्सिमम 300 और मिनिमम 280, यानी प्लान कर रखा है 280 पे। लेकिन मान लीजिए आज डीजी नहीं मिल पाया, कल डीजी नहीं मिल पाया, अर्जेंट है, कोई मीटिंग है, चलना है, तो फ्रेंड्स उसको हम 300 घंटे से पहले पहले कर लेते हैं कि 280 के बाद हमारे पास 24 घंटे होते हैं एक दिन के लिए, तो आज नहीं मिल पाया कल मिलेगा, तो उस हिसाब से हम 280 पे प्लान करते हैं और 300 पे हम इसको करते हैं। अब इसमें वो आगे और भी क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि बी चेक में क्या क्या करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा नहीं है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने फ्रेंड्स यहाँ, बी चेक में क्या क्या करते हैं, मेटेरियल क्या लगता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब बी चेक में क्या करते हैं फ्रेंड्स, बी चेक में देखिए, बी चेक में हम ऑयल रिप्लेस करते हैं, जो ल्यूब ऑयल होता है उसको रिप्लेस करते हैं, यानी ल्यूब ऑयल की जरूरत पड़ती है, ये मेटेरियल उसमें लगता है। उसके ऑयल फिल्टर, यानी ल्यूब ऑयल फिल्टर हम चेंज करते हैं, बाईपास फिल्टर हम चेंज करते हैं ल्यूब ऑयल का, फ्यूल फिल्टर हम चेंज करते हैं, और उसमें हम कूलेंट का टॉपअप भी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चार पाँच चीज़ें उसमें लगती हैं, ल्यूब ऑयल फिल्टर, बाईपास फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर हम क्लीन करते हैं फ्रेंड्स इसमें देख के, और जो कूलेंट अगर कम है तो कूलेंट टॉपअप करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम बी चेक में करते हैं। बी चेक के साथ साथ ए चेक भी करते हैं, सारा ए चेक और बी चेक दोनों किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ए चेक क्या होता है। अब डीजी का ए चेक की अगर मैं बात करूँ तो डीजी के ए चेक में कई सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए फ्रेंड्स। ए चेक नॉर्मली हम बता तो देते हैं कि भाई क्लीनिंग करनी चाहिए, लेकिन ए चेक में काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती हैं। जैसे अगर हम ए चेक कर रहे हैं डीजी का, तो डीजी का ए चेक करते समय नंबर एक हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए उसकी क्लीनिंग, सफाई। अंदर से पैनल खोल के भी देख लेना चाहिए, पता चला हमने बाहर से साफ कर रखा, अंदर से क्लीन है कि नहीं है, यानी डस्टिंग। सबसे पहले हम डस्टिंग करेंगे ए चेक में। नंबर दो, फिर बैटरी के टर्मिनल चेक करेंगे कि बैटरी के टर्मिनल साफ हैं कि नहीं हैं, वो भी हमें जरूरी चेक करना होता है। बैटरी की वोल्टेज, बैटरी की करंट, वो सब भी चेक कर लेनी चाहिए प्रॉपर है कि नहीं। पता चला बैटरी की वोल्टेज 24 वोल्ट से नीचे जा रही है, आपने सेल्फ मारा स्टार्ट ना हो, तो ये भी ए चेक के अंदर का आता है। उसका कूलेंट लेवल चेक करेंगे, ल्यूब ऑयल लेवल चेक करेंगे, ल्यूब ऑयल का अगर चल रहा है तो प्रेशर चेक करेंगे, और नहीं चल रहा है तो ल्यूब ऑयल का लेवल चेक कर लेंगे भाई प्रॉपर है नहीं है। फ्यूल चेक कर लेंगे, फ्यूल प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसी तरीके से हम उसमें फ्रेंड्स कोई लीकेज तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं ए चेक में भी, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अल्टरनेटर क्या है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अल्टरनेटर क्या है, तो फ्रेंड्स डीजी अल्टरनेटर नहीं होता। डीजी में दो होते हैं, इंजन और अल्टरनेटर। अल्टरनेटर अगर पूछा जाता है तो उसको सीधा सा जवाब दीजिए कि अल्टरनेटर वो है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करके हमें देता है, यानी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है इंजन के प्राइम मूवर के थ्रू या इंजन के थ्रू, तो वो होता है अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर एसी वोल्टेज हमें प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज ये देखिए मैंने 8-9 क्वेश्चंस का आपको आंसर दिया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन फ्रेंड बहुत हैं और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं वही क्वेश्चंस के आपको आंसर दे रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय मेरे से पूछे गए हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं और स्टार्टिंग में ज़्यादातर कोई बता नहीं पाता है। तो अभी तो ये सोर्स अच्छा है कि गूगल के थ्रू या नेट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें ईजिली जान लेते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।